जन्मदिन का तोहफा तो सभी नायाब और बेशकीमती ही चाहते हैं, लेकिन ऐसे काफी कम लोग होते हैं जो अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों की दुआओं को बेशकीमती तोहफा समझते हैं। बात हो रही है बीटीपी ग्रुप एवं बीसीएन न्यूज के संस्थापक सिराज शेख की, जिनके जन्मदिन के अवसर पर महीने भर से कई चरणों में शिविरों का आयोजन किया गया था, जहाँ स्थानीय जनता के साथ साथ आस पास के सभी क्षेत्रों के जरूरतमंदों ने लाभ लिया। हर साल की तरह इस साल भी बीसीएन एवं बीटीपी ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन शहर में कई चरणों में किया गया। सामाजिक उद्धार के उद्देश्य से आयोजित इस आरोग्य शिविर में हेल्थ चेकअप, दांतों की जांच, बीपी चेकअप, शुगर चेकअप, ब्लड डोनेशन और मुफ्त चश्मा का वितरण किया गया। साथ ही लोगों की सुविधा और आवश्यकता हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बनाए गए। महीना भर चल रहे इस आयोजन के दौरान स्थानीय क्षेत्र के निवासी साथ ही साथ आसपास के कई लोगों ने इन शिविरों के जरिए लाभ उठाया। 7 जुलाई बीसीएन और बीटीपी ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख का आज जन्मदिन है। इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जहां हफ्ते भर से महीनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में कई चरणों में आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा था, वहीं आज के दिन भव्य महाशिविर का आयोजन दत्तात्रेय नगर के महाकालका सभागृह में किया गया है। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि इस महाशिविर की आज बस शुरुआत ही हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ इस शिविर का लाभ उठाने के लिए उपस्थित हुई है। आज के इस महाशिविर में दंत चिकित्सा, उसकी जांच और बीपी शुगर की जांच, उसी के साथ साथ आंखों की जांच और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यहां पर लोगों को निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों की नागरिकों की सुविधा के लिए यहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट और बनाए भी जा रहे हैं। तो अभी लोगों का आगमन अभी शुरू ही हुआ है और भारी संख्या में यहाँ लोग अभी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज के इस महाशिविर का लाभ उठाने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर नागरिक उपस्थित हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि वो अभी किन किन चीज़ों की जांच कराने के लिए आए हैं और वो क्या कहना चाहेंगे। ये करना चाहती गरीब लोगों के लिए अच्छा है ये, यानी शिविर में सब जो उनका फायदा हो जाता है। आप किस चीज़ की अभी जाँच करा रही? आँख की और बीपी शुगर। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं तो आपने किस चीज़ की जाँच अब तक कराई? बीपी शुगर और आँख। तो क्या लगता है इस तरह के आयोजन पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो आयोजन किया गया है सिराज सर के बर्थडे पर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सबका फायदा कर रहे हैं, इसलिए बहुत बढ़िया काम किया है देश के लिए। अपना नागपुर सिटी में महाकाल बिल्डिंग में कार्यक्रम रखे तो सब जन को मालूम हो रहा है, ये काम अच्छा किया है। मेरी पीछे आप देखिए, अभी यहाँ पर नेत्र रोग जो है उसकी जांच के लिए यहाँ पर अभी भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद ही है यहाँ पर, और अभी भी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अपनी आँखों की जांच करा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर विभिन्न रोगों के स्टॉल लगे हैं जहाँ पर लोगों की चिकित्सा जाँच की जा रही है। तो एक बार लोगों से बात करते हैं। ये सिराज भाई का जो कार्यक्रम है ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, जो हमेशा शिविर ले रहे हैं, कम से कम 5 साल से वो शिविर लेते रेगुलर ले रहे हैं, उनका धन्यवाद करना हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके काम में कोई भी कमतरता नहीं है। जहाँ भी वो कार्यक्रम लेते हैं बहुत बढ़िया कार्यक्रम लेते हैं। उनका जन्मदिन की मेरे को हार्दिक शुभकामना देना है, इसलिए मैं आज आया हूँ। मैं उनके कार्यक्रम में डेली एट प्रेजेंट रहता हूँ और उनका कार्यक्रम एक नंबर का नागपुर शहर में है। मैंने ये भी उनको बोला कि सिराज भाई आपकी चुनाव में रणनीति है क्या खड़ा होने की, तो वो बोले चुनाव में मेरी रणनीति नहीं है बोले खड़ा होने की, और मैं अपना कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करूँगा बोले। बोला एक बार आपने गजू काकपुरे को खड़ा किया था बोला वार्ड के अंदर, मेरे अपोजिशन में किया था बोला। नहीं बोले मेरे को इसमें दिलचस्पी नहीं है, मेरे काम में और मेरे बिजनेस में मेरे को दिलचस्पी है। इनको लाख लाख मेरी शुभकामना है सिराज भाई को जन्मदिन की। यही उनका बढ़िया काम है, उनके काम में कोई कमतरता नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं रीता हड़के, मैं नागपुर मेट्रो समाचार की सीनियर सब एडिटर हूँ। मैं सिराज सर के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। उनके 50वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना, हैप्पी बर्थडे सर। उन्होंने समाज के लोगों के लिए बहुत सारा, मतलब यहाँ पर हेल्थ चेकअप,
और भी सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई है, जो कि लोगों की बहुत ज़रूरत है। और यही उनका सामाजिक कार्य, लोगों को लोग उनको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। एंड वंस अगेन विश यू हैप्पी बर्थडे सर। इस विशेष आयोजन का समापन 7 जुलाई को दक्षिण नागपुर स्थित महाकालकर सभागृह में सिराज शेख का जन्मदिन मनाकर किया गया। इस समय विधायक अभिजीत वंजारी, कांग्रेस नेता गिरीश पांडव, दीपक पोहनेकर, स्नेहल बिहारे, ऋचा जैन, नागुराव जयकार, साथ ही साथ समाज के और राजकीय क्षेत्र के कई दिग्गज उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों ने सिराज शेख को मुबारकबाद भी दी। छोटे बंधु आदरणीय सिराज जी शेख यांचा 50वा वाढदिवस आहे आणि खूपच आनंदाचा क्षण आहे। ॲक्च्युली याच्यात आपण तुमच्या जी टीम जी आहे पूर्ण BCNची, त्या टीमनी आज या ठिकाणी मेडिकल चेकअप आणि वेगवेगळे चेकअप, जे जीवनावश्यक चेकअप्स आहेत, अशा सगळ्या गोष्टींची या ठिकाणी आपण व्यवस्था केली, त्याबद्दल आपलं खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा। असंच तुम्ही समाजाचं काम सतत करत रहा। मी आमचे आमदार मोहनजी मते, नागपूर शहराचे अध्यक्ष आमदार प्रवीणजी दटके आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीतर्फे सिराज शेख यांना खूप खूप सुयश चिंतितो। आपण असंच काम करत रहा आणि आपली तब्येत आणि लोकांमध्ये प्रेम असं सतत वाढू द्यावे, चांगलं राहावं अशी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद, जय हिंद। आज सिराजबाई शेख यांचा वाढदिवस आहे, त्यांना वाढदिवसानिमित्त माझ्याकडून कोटी कोटी शुभेच्छा देते। सिराजबाईंचं दुसरं नाव म्हणजे BCN, त्यांना त्याच नावाने जास्त ओळखलं जाते आणि त्यांची ही ओळख फक्त नागपुरातच नाही तर देशभर प्रसिद्ध हो अशी मी ईश्वरच्याणी प्रार्थना करते। आज त्यांचा 50वा वाढदिवस त्यांनी आज या आरोग्य शिबिरानिमित्त साजरा केला आहे। मी ईश्वरच्याणी प्रार्थना करते की अशीच जनसेवा यांनी कायम करावी आणि ही जनसेवा करत करत त्यांनी आपली सेंच्युरी पूर्ण करावी अशी ईश्वरच्याणी प्रार्थना करते। ईश्वर त्यांना खूप उदंड आयुष्य देव, आरोग्य संपादन करो। जय हिंद, जय भारत। BCN के संस्थापक सिराजभाई शेख, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। मैं अभी भी इस कार्यक्रम से आया हूँ और मुझे विश्वास है कि सिराज भाई के जन्मदिन के माध्यम से आम आदमी का फायदा होगा। बहुत सारे गरीब लोगों को आरोग्य के क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं मिलने वाली है, उसका लाभ सभी लोग लें। और सिराज भाई के हमेशा जो BCN के माध्यम से इस प्रकार के सामाजिक उपक्रम करते रहते हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी तरह से नागपुर शहर में वो अपने सामाजिक कार्य की छाप छोड़ते रहे, इसी के साथ मैं उनको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। रघुनगर सोमवारी पेठ इथे राहणारे सिराज भाई आमचे लहानपणीचे मित्र, शून्यातनं मोठे झाले, अजून त्यांना त्याच्या मूळ याची जाण आहे आणि ते लोकांची सेवा करतात, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष करून त्यांनी आपलं जीवन या ठिकाणी यशस्वी केलं आहे। एक चॅनलच्या व्यतिरिक्तही बाकी लोकांची सेवा करावी या उद्देशाने आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन झालं। त्यांना पुढील आयुष्यासाठी मी शुभेच्छा देतो। जो सिराज भाईचा वाढदिवस होता त्यानिमित्तानं आम्ही त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याकरता आलो। ज्या प्रकारे मानवता एक धर्म आहे आणि माणूस एक माणसाला मदत करू शकतो, त्याचं एक खूप चांगलं उदाहरण सिराज भाईने इथे दाखवलं आहे। हजारोच्या संख्येने इथे लोक शिबिराचा लाभ घेत आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने सिराज भाईने वाढदिवसाच्या निमित्त एक मानवता म्हणून एक लोकसेवेसाठी जो हा कार्यक्रम उपक्रम तयार केलेला आहे, याच्यासाठी मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आमचे मित्र सिराज भाई यांचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसानिमित्त आज सिराज भाईच्या माध्यमातून इथे आज आरोग्य शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या शिबिरामध्ये आता नुकतेच आपल्या नागपूरचे म्हणजे प्रख्यात डॉक्टर अविनाश गावंडेजी पण इथे आलेले आहे। आपण बघतो आहे की मोठमोठे लोक राजकीय क्षेत्रातले असेल, सामाजिक क्षेत्राचे असेल, आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक असेल, असे मोठमोठे लोक सिराज भाईला इथे शुभेच्छा देण्याकरता आलेले आहे। आणि खरोखर मी असं मनातून म्हणेल की वाढदिवस कसा साजरा करायला पाहिजे, तर इथं आपण बघतो आहे की आज गोरगरीब लोकांकरता आरोग्य शिबिर आणि नेत्रदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि निःशुल्क चष्मे वाटपाचा कार्यक्रम केलेला आहे। याच पद्धतीचा कार्यक्रम, माझं असं म्हणणं आहे की सगळ्या लोकांनी असं साजरा करायला पाहिजे। मी माझ्यातर्फे परत एकदा सिराज भाईला वाढदिवस खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। सिराज भाई आज उनका बर्थडे है, बस उनके लिए दो लाईन ही बोलना चाहता हूँ।
ये सबूत तो दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि जो समाज सेवा के कार्य में मेरा भाई जो आगे बढ़ा है उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और दो लाइन उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं, मेरी ज़िंदगी मेरी मंजिलें, मेरी ज़िंदगी मेरी मंजिलें, मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे, मुझे ऐसा रास्ता दिखा जो सफ़र के बाद गुरूर दे। बस ये बोल करके मैं अपने भाई को एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया। हमारे भाई सिराज भाई का जन्मदिन है, सबसे प्रथम मैं सिराज भाई को लंबी आयु के लिए शुभेच्छा देता हूँ। और सिराज भाई ने आज यह जो महाशिविर आयोजित किया है, ये महाशिविर सही में गरीब लोगों के लिए, जो गरीबी में जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, गरीब पैसा लगा नहीं सकते, ऐसी सभी प्रकार की सुविधा यहाँ किया है। हर बीमारी का इलाज आज यहाँ सिराज भाई के महाशिविर के माध्यम से हो रहा है। मैं सिराज भाई को ऐसी शुभकामना देता हूँ, भविष्य में अभी जो है, अभी सिराज भाई के पास कड़ी मेहनत करने के बाद 20-25 कंपनियाँ है, मैं भविष्य में सिराज भाई के पास 100 कंपनियाँ आए और ऐसी वही माध्यम से पैसा आकर सिराज भाई गरीबों की सेवा करे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। सिराज भाई के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिराज भाई के जन्मदिन के दिन मैं पूरे आज तक मेरे 54 साल के लाइफ में ऐसा बर्थडे कभी देखा नहीं। आपने आज यहाँ पे हर समाज के हर जैसे लोग आए, कुछ राजनीति के, कुछ डॉक्टर फील्ड्स के है, तो मैं ऐसा बर्थडे सही में लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए काम में आना। और कहीं पे ऐसे हम कैंप देखते हैं, हेल्थ कैंप में इतनी भीड़ कहीं पे होती नहीं, और भीड़ के साथ साथ हेल्थ कैंप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सुविधाएं देना, जैसे चश्मे का वाटप है, दवाई का वाटप है, हर फील्ड मैंने देखा, गायनोकोलॉजी से ऑब्स्टेट्रिक है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑप्थल्मोलॉजी है, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो मेडिकल रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ साथ उनको जो भी है, क्योंकि कैंप तो सब लोग करते हैं, लेकिन कैंप के साथ साथ लगने वाली सुविधाएं, कैंप करने के बाद चश्मे का नंबर निकालने के बाद यदि चश्मा नहीं मिलता है तो वो नंबर कुछ काम का नहीं, वो चिट्ठी सब लोग फेंक देते थे, हमारे एज ए डॉक्टर के हिसाब से उसके बाद जो ट्रीटमेंट लगती है वो ट्रीटमेंट भी यहाँ हो जाती है। इसके अलावा जन्मदिन के दिन इतना बड़ा काम करना शायद कोई भी कर पाएगा, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। फिर से आज सिराज भाई को मेरे तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहाँ आने का सौभाग्य मिला, सबके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ जन्म इनका है उसके साथ BCN के सब लोग, इंक्लूडिंग इमरान भाई, इमरान दौड़ी, आप और अभिषेक, इनका सबका मैं सही में तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेहनत लिया ये बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी सिद्धू कुमोजार, माथाडी कामगार सेना नागपूर शहर अध्यक्ष शिवसेना। आज इथे माननीय श्री सिराजभाई शेख यांच्या जन्मदिनानिमित्त भव्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या शिबिरामध्ये चष्मे वाटप, संपूर्ण प्रकारचे जे काही बॉडीच्या संदर्भातले सगळे प्रकार असतात त्या सर्व प्रकारचे इथे आयोजन केलेलं आहे। सिराजभाईंना मी माझ्यातर्फे जन्मदिनाच्या खूप शुभेच्छा देतो। त्यांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे आणि तो पण जन्मदिवसानिमित्त, हा प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता राजकारण्यांनी राबवायला पाहिजे। या उपक्रमाच्या माध्यमातून गरीब लोकांची जी सेवा होते तीच सेवा ईश्वरचरणी अर्पण होत असते। मी सिराजबाईंना या सर्व कार्यक्रमाबद्दल खूप खूप शुभेच्छा देतो, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं गिरारोग सागर कुंभारे, और आज सिराज शेख सर का बर्थडे है, उनके जन्मदिन के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं एक इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ, और वो सिर्फ उन्हीं के वजह से आज तक मैंने इंडिया के इंडियन हिमालय माउंटेन्स क्लाइम किए, बट पहली बार मेरा इंटरनेशनल पीक था वो है माउंट किलिमंजारो, और उसके लिए हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहा वो रहा सिराज सर का, क्योंकि मैं बाकी अदर बहुत जगह पे मतलब एज अ फंडिंग के लिए हम जब स्पॉन्सर लेते हैं, स्पॉन्सर ढूंढने के लिए जब जाते हैं किसी के पास, तो बहुत सारे लोग आ जाओ कल आओ या फिर थोड़ा डिले होता है, बट सिराज सर ऐसे एक व्यक्तिमत्व है जो एक आइडियल है पूरे स्पोर्ट पर्सन के लिए, जिन्होंने ना कुछ कहे एज अ स्पोर्ट पर्सन के लिए उनका हर बार सपोर्ट रहा है, और ऐसे ही वो आगे चल के सामाजिक कार्य करते रहे, ये हमारी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। गौरतलब है कि सिराज शेख के जन्मदिन के अवसर पर टुकड़ोजी पुतला स्थित BCN एवं BTP ग्रुप के कार्यालय में भी केक काटकर कर्मचारियों द्वारा अभिष्ट चिंतन किया गया।
एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज, राजकुमार मोहर, अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे, अक्सा अंसारी और क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।